अमीर घर के दंपति शारदा और प्रसाद सोफे पे बैठकर अपने बेटे रमेश की होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, और गुस्से से पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी तैयार होके गाड़ी की चाबी लेके रमेश उनके पास आता है। रमेश को देखते ही शारदा प्रसाद दोनों शांत हो जाते हैं। आज तो ऑफिस नहीं है ना बेटा, तैयार होके कहाँ जा रहे हो? बाहर जाते वक्त किसी से कहाँ जा रहे हो नहीं पूछा जाता, ये तो नहीं पता, पर बहु पढ़ी लिखी चाहिए, क्या कहूँ। हाँ, इस घर में मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए, ऐसी लड़की मैं इस घर के लिए ढूंढ रही हूँ। शारदा की बातें सुन के प्रसाद मजाक में कहते हैं, शिक्षा 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 को खा लोगे क्या, जब देखो शिक्षा का नाम जपते रहती हो। उनकी बात सुन के शारदा दुखी होकर कहती है, आपने जैसा कहा, शिक्षा अगर खाने की चीज होती तो कितना बेहतर होता, अगर वो करेला जैसा कड़वी होती तो भी नमक मिर्च डाल के मैं कैसे भी उसे खा लेती, कम से कम मैं सबसे कह तो पाती कि मैं शिक्षित हूँ। कहकर शारदा रोने लगती है। शारदा को इस तरह दुखी होते देख बाप बेटा पिघल जाते हैं। फिर वो शारदा को आके समझाते हैं, सुनो शारदा, कांटी बनके तुम मेरी जिंदगी को पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुँचाई हो, तुम मेरे लिए देवी हो, इस तरह रहोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब पढ़ी लिखी बहू इस घर में आएगी मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्रसाद की ऐसी बातें सुन के रमेश मन ही मन सोचने लगता है, अरे बापरे, मुझे तो मैट्रिक फेल लड़की अनामिका से अब प्यार हो गया है, अगर मैं इस बारे में कहने भी जाऊं तो घर में मानो युद्ध शुरू हो जाएगा, नहीं नहीं अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा सोचकर वो चुपचाप घर से बाहर निकल के गाड़ी में आके बैठ जाता है। फिर गाड़ी लेके वो खुशी खुशी गांव के तरफ जाने लगता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अचानक से एक दिन रमेश अनामिका को शादी करके सीधा घर ले आता है। शारदा आरती उतार के उन्हें घर में प्रवेश कराती है। अब बताओ बेटा, ये लड़की कौन है, इससे तुमने क्यों शादी की? माँ, इस लड़की का नाम अनामिका है, इससे शादी करने के पीछे की वजह तुम दोनों ही हो। हम दोनों? वो कैसे बेटा? माँ चाहती थी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हो, आप चाहते थे संस्कारी लड़की हो जो पूरे घर को संभाल सके, मैंने ये दोनों चीजें अनामिका में देखा, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली और बहू बना के उसे घर ले आया। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद दोनों बहुत खुश हुए। वो अनामिका के साथ बड़े प्यार से पेश आने लगे। शारदा अनामिका के हरेक काम में उसे मदद भी करने लगी। जो कोई उसके घर आए, ऐसा तक कि रोड से गुजर के भी जाए, वो सभी से कहने लगी कि उसकी बहू रानी पढ़ी लिखी है, इसीलिए वो बहुत खुश है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सास बहू सोफे पे बैठ के आराम से टीवी देख रही होती है। तभी प्रसाद हाथ में एक चिट्ठी लेकर घर आते हैं। बहू, रास्ते में मुझे पोस्टमैन मिला, उसने कहा कि कोर्ट से चिट्ठी आई है, जरा पढ़ के बताना। उनकी बातें सुनकर अनामिका बहुत घबरा गई। फिर वो मनी मन सोचने लगी, अगर ये चिट्ठी कोर्ट से आई होगी तो जरूर ये इंग्लिश में ही होगी, मुझे तो इंग्लिश क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए तो मैं 10th में न जाने कितनी दफे फेल की हूँ, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ, अच्छा होता अगर इस घर में आने से पहले सब सच कह दिया होता। ऐसा सोच ही रही थी तभी प्रसाद चिट्ठी का कवर फाड़ के चिट्ठी अनामिका के हाथों में देते हैं और जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। अनामिका चिट्ठी लेके बहुत आश्चर्य होके देखने लगती है। हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, ये छोटा कागज का टुकड़ा उसके सामने कुछ भी नहीं, पढ़ो बहू पढ़ो, कोर्ट से हमारी जमीन के बारे में क्या लिख के भेजा है, जरा पढ़ के बताओ। सुनते ही अनामिका को रोना आता है, पर वो ठीक से रो भी नहीं पाती, कुछ ना कुछ कह के वहाँ से निकलना चाह रही थी, पर शारदा रही जिद्दी, वो भी ठान ली थी कि अनामिका से वो चिट्ठी पढ़वा के ही रहेगी। अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए अनामिका भी चिट्ठी पढ़ना शुरू की मानो कि उसे बहुत इंग्लिश आती हो। DEAR डियर PRASAD प्रसाद। जैसे वो पढ़ी, शारदा और प्रसाद आश्चर्य होके उसको देखते रह गए। अनामिका को एक एक अंग्रेजी का अक्षर पढ़ते देख शारदा को बड़ा गुस्सा आया। अनामिका बहुत डर गई, ऐसे सर झुका के खड़ी हो गई मानो कि उससे कुछ गलती हो गई हो। अरे बहू, तुम सच सच बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो या नहीं, तुमने 10th पास किया है कि नहीं?
ऐसा पूछते ही अनामिका दोनों हाथों से कानों को पकड़ के सीधा उठक बैठक करने लगती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं 10th पास नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। अनामिका की ये बात सुन के शारदा के मुँह में जो आया उसे वो खरी खोटी सुना दी। उनकी बातें सुन के अनामिका रोने लगी, दुखी हो गई। वहाँ से वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ के रोने लगी। फिर शाम हो जाती है, रमेश ऑफिस से घर लौट आता है। पिताजी से पूरी बात पता चलने के बाद रमेश माँ के पास जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुमसे झूठ कहा। अभी तुम अपनी बहू को शिक्षित बना लो ना, तुम्हारे बातों को कभी मैंने ना कहा है क्या? उसकी बातें सुन के शारदा थोड़ी शांत होती है, वो अनामिका के शिक्षा के लिए राजी हो जाती है। अब शारदा जाके थोड़ी खुश होती है। एक दिन अनामिका जब किचन में खाना पका रही होती है, शारदा उसके पास जाती है। बहू, अब तुम मैट्रिक में पढ़ रही हो, इस बार तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं बात करके आई हूँ पास के स्कूल में ही, जाके यूनिफॉर्म ले आओ। शारदा की बातें सुन के अनामिका विनती करते हुए कहती है, मैं पढ़ लिख नहीं सकती, मेरे लिए तो मेरा परिवार ही मुख्य है। पढ़ोगी लिखोगी तभी तो जिंदगी बेहतर होगी, नहीं तो। अरे माँ जी, आप मेरा दर्द नहीं समझ रही है, अगर अभी जाके मैं यूनिफॉर्म पहनूं तो अच्छी नहीं लगूंगी, आप थोड़ा समझिए ना। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो बहू, मैं चाहती हूँ तुम मैट्रिक पास हो जाओ, और तुम परिवार के बारे में सोच रही हो, अगर दोनों चाहती हो तो तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना होगा, सोच कर देखो। उनकी बातें सुन के अनामिका समझ गई कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए जाके वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है। शारदा उसे स्कूल बैग देती है, अनामिका उसे कंधे पे टांग लेती है। स्नैक्स में मैंने लेस दे दिया है और लंच के लिए दाल बना दिया है, अच्छे से खा लेना। ऐसा कहते हुए शारदा अनामिका को बाहर ले आती है। फिर स्कूटी पे बैठा कर शारदा अनामिका को स्कूल तक छोड़ने जाती है। जब शारदा इतनी बड़ी अनामिका को स्कूल यूनिफॉर्म पहना कर ले जा रही थी, सभी उसे देख कर हंसने लगे। अनामिका शर्म के मारे सर झुका लेती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका बहुत मेहनत करती है, अपना फाइनल एग्जाम्स देती है, कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाता है। बहुत ही अच्छे अंकों के साथ अनामिका मैट्रिक पास हो जाती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शाम के समय जब जलवायु थोड़ी ठंडी थी, सास बहू शारदा अनामिका दोनों टोकरियों में गोबर लेकर नदी किनारे जाती है और देखते देखते जाती है कि अगर और गोबर उन्हें कहीं से दिख जाए। गर्मी का समय आते ही लगता है घर में रहने से बेहतर है कि कहीं जाके जहन्नुम में रहे। ऐसा क्या माँ जी, फिर आप नरक कब जा रही है? तो मतलब तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं कब मरूंगी? छी, मैं आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछूं भला, आपको जैसे सहूलियत हो, पर हाँ माँ जी, नरक जाने की बात भूलिएगा नहीं। सुनते ही शारदा थोड़े गुस्से से, मैं तो नहीं जाऊंगी पर तुम्हें जरूर भेजूंगी, ये सब बकवास करना बंद करो और गोबर ढूंढो, आज कैसे भी हमें 2 टोकरी गोबर उठा के ले जाना है। फिर भी सासू माँ, ये बताइए आपको किसने बताया था कि गोबर के ठेपले घर के चारों तरफ लगाने से घर बहुत ठंडा रहता है? अगर मैं उस इंसान का नाम बताओ तभी तुम गोबर ले आओगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो उद्देश्य नहीं है, हम जैसे गरीब इंसान को जिन्होंने बताया कि गोबर से घर ठंडा रहता है उन्हें तो धन्यवाद कहना चाहिए। तो तुम जाके उसके पैर छू के प्रणाम करोगी क्या? अगर वो बड़े होंगे तो पैर छूने में क्या दिक्कत है? फिर देर किए बिना जल्दी से आके मेरे पैर छू लो, मैंने ही कहा था कि गोबर के ठेपले बना के घर के चारों तरफ आगे पीछे और घर के ऊपर रखने से घर ठंडा रहता है। आपके पैर नहीं छूना चाहती माँ जी, आपको तो फूलों का माला पहनाना चाहती हूँ। बहुत हुआ, देखो गोबर मिलता है कि नहीं। ऐसे बात करते करते आगे बढ़ रही थी तभी सास बहू को दूर से ही एक गोबर का ढेर दिखा। देखते ही सास बहू दौड़ लगा दी, अनामिका जीत गई। जल्दी से गोबर उठा के वो अपनी टोकरी में रख ली। इस तरह सास बहू मस्ती भरी बातें करती है और गोबर के ढेर ढूंढ ढूंढ के उन सभी को टोकरी में रखती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी टोकरियां गोबर से भर गई, वो टोकरी लेकर घर लौट जाती है। अंधेरा होने के बाद वो गोबर के ठेपला बनाकर दीवारों पर लगाने लगते हैं। देखकर उनका पोता पोती हरीश और भाव्या पूछने लगते हैं, दादी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, गर्मी का मौसम है ना, गर्मी में सूरज की ताप बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से
घर में रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गोबर के ठेपले डाल रही हूँ। अरे दादी, इतना कहने की क्या जरूरत थी, कह सकती थी ना कि घर को ठंडा करने के लिए हो गया। सुनकर शारदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर अनामिका, हरीश, भव्या तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा गुस्से से जल्दी जल्दी पूरे घर में गोबर के ठेपले लगाने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब चूंकि दिन ब दिन गर्मी का ताप बढ़े जा रहा था, इसलिए आम इंसान के मन में भी डर दिखने लगा। एक दिन हरीश और भव्या गर्मी के तापमान को सहन नहीं कर पाने की वजह से रोने लगते हैं। शारदा, अनामिका, प्रसाद सभी लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करें बेटा, गर्मी के डर से कहीं कहीं गर्मी हमारे ऊपर असर ना कर दे, हमने घर को ही गोबर से ढक दिया। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है दादी, दो दिन हमें ठंडक महसूस होती है, फिर वही कभी गर्मी लगने लगती है। सूरज कितनी तापमान है, हम क्या करें बेटा? ये सब हम नहीं जानते माँ, बाहर इतनी तेज धूप है, घर के अंदर इतनी गर्मी है, हम सब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज तुम्हारे दादाजी से कहूंगी शाम को छत पर थोड़े घास डाल देने के लिए, ठीक है ना? आप कुछ भी करो दादी, पर बस ये घर ठंडा हो जाए। इस तरह से उसने कहा। अब क्योंकि बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एक पेड़ के ठंडी हवा के नीचे आकर बैठे हुए थे। पेड़ के नीचे काफी ठंडक थी। जब जब हवा चले, हरीश और भव्या को अच्छा महसूस होने लगे। बहन, घर से तो बेहतर यहाँ लग रहा है। सही बोले भैया। जब वो ऐसा कह ही रहे थे, शारदा अपना सेलफोन लेकर अपने पति प्रसाद को फोन लगाती है। खेत के आड़ में बैठे जैसे ही प्रसाद को अपने फोन की घंटी सुनाई दी। अब इतनी गर्मी में किसने मुझे फोन किया, ऐसा सोचकर वो फोन उठाते हैं। क्या जी, खाना खाए? अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया शारदा? यही कि जब आप और आपके बेटे घर लौट कर आएंगे ना, तो साथ में थोड़ा घास लेकर आइएगा, छत पे डालेंगे, बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है शारदा, फिर बहू को भेज दो, मैं और बेटा जितना घास लाएंगे उससे काफी नहीं होगा। ठीक है जी, भेज देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा फोन रख देती है, फिर अनामिका को पूरी बात बताती है। फिर अनामिका भी हाँ कहकर खेत की तरफ चली जाती है। बहुत ही कष्टों के साथ धूप में पैदल चल के अनामिका खेत तक पहुँचती है। उधर खेत में सारे घास धूप में जल चुके थे, देखकर प्रसाद और रमेश बहुत चिंतित हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया पिताजी? तेज धूप है बहू, शायद कहीं आग लग गई और आके घास पे गिरी, अब हम पशुओं को क्या चारा खिलाएंगे। इस तरह दुखी होकर प्रसाद, रमेश और अनामिका तीनों खेत से वापस आने लगे। लौटने के दौरान अचानक से अनामिका को खेत में एक तरबूज दिखा। अनामिका को पता नहीं था कि वो एक जादुई तरबूज है। उसने सोचा बच्चे खाएंगे, ये सोचकर उसे लेकर घर आ गई। खेत में जो कुछ हुआ था वो सारी बातें प्रसाद दुखी होकर शारदा को बताते हैं। शारदा रोने लगती है। अगले दिन जब बहुत गर्मी लगने लगी, बच्चे जो घर पर ही थे उन्हें वो तरबूज दिख गया। बच्चे बहुत खुश हो गए और अनामिका को उसे काट के देने के लिए कहने लगे। जैसे अनामिका ने काटा, वो तरबूज अपने आप से ही फिर से जुड़ गया और अचानक से बहुत बड़ा आकार ले लिया। देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए। अचानक से वो रसीला तरबूज एक बड़े से घर के आकार में बदल जाता है। ये देखकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। फिर देर किए बिना बच्चे उस घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर ठंडक थी, बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। फिर एक एक करके शारदा, अनामिका, प्रसाद, रमेश सभी उस तरबूज घर के अंदर जाते हैं। उस मायावी तरबूज घर में सब कुछ था। एक तरफ किचन था, दूसरे तरफ स्टोर रूम था, एक जगह पर अच्छे से सोफा रखा हुआ था और दूसरे जगह पर डाइनिंग टेबल। वहाँ दो अलग अलग कमरे भी थे और हर एक कमरे में बिस्तर भी थे। हरीश, भाव्या खुशी खुशी उस बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। दादी दादी, ये तरबूज घर बहुत ही मजेदार है, इसके अंदर कितनी ठंडक है ना, जैसे ही हम बिस्तर पे लेटे हम आराम से सोना चाहते हैं। हाँ दादी, बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब से वो सभी लोग उस तरबूज घर के अंदर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक, नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।